नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा तमाम प्रयासों के बावजूद गेहूं बाजार में हो रही निरंतर बढ़ोतरी के बारे में और समझेंगे क्या सरकार आने वाले समय में आयात शुल्क पर कटौती कर सकती है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सभी प्रयासों के बावजूद गेहूं के मूल्य में हो रही बढ़ोतरी सरकार के लिए चिंता और परेशानी का कारण बन गई है। सरकार गेहूं पर लगे आयात शुल्क में कटौती करने की सोच रही है। वर्तमान में गेहूं पर 40% मूल और 44% कुल आयात शुल्क लगा हुआ है, जिसे अब 15% तक कम किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार दक्षिण और पश्चिमी बंदरगाहों पर गेहूं की आयात को मंजूरी दे सकता है। मुंबई बंदरगाह में पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं आयात संभावित। अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में एक निर्णय लिया जाएगा कि आयात कर कम किया जाएगा या उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप पहले भेजी जाने वाली माल की आगमन स्वाभाविक रूप से टूटीकोरण पोर्ट पर लगभग 20-25 दिनों में हो सकती है। साथ ही आयातकर्ताओं ने विशाखापट्टनम पोर्ट पर स्टोरेज की जगह आरक्षित कर ली है। अनुमान यह भी है कि एक महत्वपूर्ण मात्रा में आयातित गेहूं 30-35 दिनों के भीतर दक्षिण भारतीय पोर्टों पर उपलब्ध हो पाएगा। अगर सरकार आयात शुल्कों को कम या समाप्त कर देती है तो वैश्विक बाजार में गेहूं के मूल्य में तेजी या वृद्धि हो सकती है। इसका उदाहरण है कि मिश्र ने हाल ही में रूस से ऊंचे भाव पर 2.3 टन गेहूं की आयात का सौदा किया है। अगर बात करें बुधवार को हुए सातवीं नीलामी की तो कुल 1.9 लाख टन गेहूं की पेशकश हुई, जिसमें से 1.8 लाख टन गेहूं बेचा गया, जिसका औसत मूल्य 2,274.71 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत सरकार ने तय किया है कि आगामी ओपन मार्केट सेल स्कीम में FCI या 50 लाख मेट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मेट्रिक टन चावल चरणबद्ध रूप से नीलामी में बेचेगा। ये कदम आपूर्ति को पूरा करने के लिए और दामों को स्थिर करने के लिए लिया जा रहा है। पिछले एक साल में गेहूं के मूल्य रिटेल बाजार में 6.77% और थोक बाजार में 7.37% तक बढ़ चुके हैं। वहीं जून 2023 से देखा जाए तो जून मध्य में स्टॉक लिमिट लागू होने के बाद एक अस्थायी गिरावट देखी गई और उसके बाद बढ़ती डिमांड और कम आपूर्ति के चलते कीमतें बढ़ती रही हैं। आप इसका विश्लेषण स्क्रीन में चल रहे ग्राफ में देख सकते हैं। दिल्ली में मैदे की कीमतों में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त दिखी है, जो वर्तमान में 2,920 से 2,940 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। सूजी और आटे में भी वृद्धि दिखी है। भारत को एक लंबे समय के बाद गेहूं आयात की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि घरेलू मंडियों में आपूर्ति और उपलब्धता की कमी आई है, जिसके कारण कीमतों में तेजी का माहौल बन गया है। अब देखने लायक होगा कि सरकार सीमा शुल्क के बारे में कैसे निर्णय लेती है। भारत की आयात शुरू होने पर वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी आ सकती है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे गेहूं बाजार की और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए डाउनलोड करिए हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप, जहां आपको मिलेगी गेहूं बाजार से जुड़ी सारी खबरें और देश भर के मंडियों के ताजा भाव वो भी मुफ्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए बाजार की ताजा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।